हेलो दोस्तों, कैसे हो? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज कल लोग करते हैं शुरू। और फ्रेंड्स, तालाब से हम सिंचाई कर रहे हैं। जो हमारा तालाब है गांव का, बारिश ज्यादा होने के कारण इसमें पानी बाहर सड़कों पर आ जाता है, तो इसलिए ये पानी हम अपने खेत में निकालते हैं। खेत में भी फायदा हो जाता है, कि खेत में काफी बढ़िया फसल होती है। और चलाते आपको दिखाते हैं। शाम का टाइम है, 7 बज चुके हैं और ये देखिए सूरज कितना सुंदर लग रहा है छिपते हुए। ये तालाब से पानी इधर निकलता है पाइपलाइन के जरिए। काफी ज्यादा प्रेशर है पानी का। और ये देखो दोस्तों, जब हम खेत में पानी लगाते हैं तो पक्षी आ जाते हैं कीड़े मकोड़ों के लिए। ये देखो उधर दूर तक सब पक्षी। इसका जो पानी है इधर जाता है, जो इधर खेत है हमारे, और जो गांव से तालाब से पानी आता है वो उसके लिए है। क्योंकि तालाब में ज्यादा पानी होने के कारण गलियों में भी आ जाए गांव में, विलेज में, तो इसलिए हम गन्ने खेत में उसकी सिंचाई कर रहे हैं। वैसे तो बिजली लाइट ही है हमारी 12, जो इधर खेत में पानी जाता है। दोस्तों, शाम के टाइम जो है खेत में पक्षियों की आवाज बहुत अच्छी आती है। ये देखो कोयल की आवाज। और दोस्तों, ये जो खेत है 2-3 बीघे का खेत है वहां तक। ये देखो ऐसे, इसमें हमने भिंडा लगाई है। भिंडा वेजिटेबल, जो वेजिटेबल होती है भिंडी, वो लगाई हमने इसमें पूरे खेत में। क्योंकि हम सब्जी जो है ना अपने खेत में ही लगाते हैं, क्योंकि उनमें दवाई का प्रयोग नहीं करते हम। जो बाहर से आती हैं मंडी में से, तो उनमें दवाई लगी होती है। जो मतलब किसान है, फार्मर है, दवाई लगा देते हैं, तो इसलिए हम सब्जी अपने खेत में उगाते हैं। और आज हमने आपको दिखाया भाई खेत में सिंचाई कैसे करते हैं, पानी कैसे देते हैं,
और ये भिंडा की क्यारी है, इसमें भी पानी दिया हमने अभी थोड़ी देर पहले। और बस आज के व्लॉग में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करे, लाइक करे, प्लीज मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करे। और ओके भाई, खुदा हाफिज, खुश रहो, दुआ में याद रखना।